राम राम जी। आप सबको आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको तीन रंग का डिजाइन बना के दिखाऊंगी। आप इसको बच्चे के कार्डिगन में भी डाल सकते हो, लेडीज़ कार्डिगन में भी, जैकेट में भी, टॉप में भी, कहीं भी डाल लो, सारी जगह अच्छा लगेगा ये डिजाइन। पहले सिलाई से बना के दिखाऊँ मैं आपको। पहले हम एक दो तीन फंदे सीधे बना लेंगे, फिर एक फंदा संतरी बना लेंगे। ये आधा डिजाइन शुरू कराया है, बीच में सारी जगह पांच पांच फंदे कर लेंगे, दोनों कोने पे तीन तीन फंदे करेंगे, फिर छह फंदे का डिजाइन बनेगा ये। फिर एक दो तीन चार पाँच छः, पांच फंदे। अब एक डिजाइन है, ये तीन फंदे छोड़कर एक संतरी पांच क्रीम, ये छह फंदे का डिजाइन है, यही छह फंदे बना के बनाने हैं। फिर एक संतरी एक, फिर पांच फंदे क्रीम, एक दो तीन चार पांच, फिर एक संतरी और तीन फंदे कोना पे क्रीम बना लेंगे। एक फंदा थोड़ा ज़्यादा है, ये घटा देंगे, या फिर एक फंदा इस तरफ बढ़ा लो, बराबर होंगे हमारे। चलो बढ़ा लेंगे, दोनों कोने पे अब चार चार आ गए, बीच में हमारे पांच फंदे हो गए, पांच पांच हो गए। अगर पांच रखो कोना पे, पांच भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब आ गई दूसरी सिलाई, बिल्कुल आसान डिजाइन है और बनाया भी अच्छा लगेगा। अगर आपने यहाँ दो सिलाई पहले उल्टी सीधी उतारनी, वो भी उतार सको हो आप। अब यहाँ संतरी हमने तीन बनाने हैं, एक इस तरफ का मिला लेंगे, एक इस तरफ का। ये फंदा इस तरह दबा कर धागा तब बनाएंगे, नहीं तो यहाँ पर फिर जाली ही बनेगी कोने पे। फिर एक दो तीन, अब ये तीन फंदे बच गए बीच में क्रीम, अब इन तीन को संतरी बना देंगे। एक दो तीन, फिर तीन फंदे क्रीम, अब ये दूसरी सिलाई इस तरह उतर गई हमारी, तीन संतरी तीन क्रीम, तीन संतरी तीन क्रीम। एक दो तीन, अब दो फंदे ये बच गए और एक फंदा हमने बढ़ाना है, दोनों कोने पे चार चार हुए थे हमारे। ये फंदा तो वैसे बढ़ाया है डिजाइन बराबर करने के लिए, इस तरफ कोने पे चार थे, इस तरफ भी हमने चार कर लिए। अगर आपके फंदे पांच पांच बना है तो आप कोने पे पांच पांच भी कर सको हो, अगर कम है तो तीन तीन भी कर सको, वो आपकी मर्जी है। बीच का डिजाइन सारी जगह पांच पांच कर लेंगे। अब आ गई तीसरी सिलाई, एक दो तीन, और ये फंदा भी अब की बार हमें क्रीम ही बना देंगे चार। फिर वापिस हमने चार फंदे बना दिए कोने पर, अब ये बीच वाला बना देंगे हम संतरी, और ये फंदा हमारा क्रीम बनेगा। अब तीसरा धागा लगाना हमने, ये भी क्रीम बना दिया। अब ये जो तीन है इनमें, मतलब ये फंदा हमने वो बनाना है, सॉरी इस तरफ करना है, अब ये बनाना है, ये फंदा हमने क्रीम बनाना है, और ये फंदा संतरी बनाना है। अब तीसरा धागा लगाना हमने, तीसरा धागा हमें फिरोजी लगा लेंगे। एक फिरोजी बना दिया, और ये फंदा हमने क्रीम बनाना है, और ये बीच वाला है जो, ये बनाना हमने संतरी। अब
देखो आगे, एक दो तीन, अब ये वाला हमने फिरोजी बनाना है। अब दोनों फिरोजी के बीच में एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे आ गए। एक फिरोजी ये हो गया, एक फिरोजी इस डिज़ाइन का कोना पे ये बना दिया, इस डिज़ाइन का कोना पे ये फिरोजी बना दिया। अब ये वाला फंदा हम बना देंगे क्रीम, और ये वाला फंदा हमारा संतरी बनेगा। फिर हमने बनाने हैं क्रीम, एक दो तीन, और ये फंदा बना देंगे हम क्रीम, वो फिरोजी, ये क्रीम और ये वाला संतरी। अब देखो डिजाइन हमने, अब यही डिजाइन हम यहाँ शुरू कर लिया हमने ऊपर इस तरफ, दोनों फिरोजी के बीच में पांच पांच फंदे आ रहे हैं। फिर हम बना देंगे एक दो तीन, और इस तरफ अगर हमने बनाना है तो ये फंदा बनेगा हमारा। तो फिर इस तरफ हमने यही बना दिया, यहाँ डिजाइन कोने पर चालू करेंगे, आधा डिजाइन बनेगा। फिर यहाँ अगर आधा आपने बनाना है तो बना लो, नहीं तो ना बनाओ, आपकी मर्जी है। अब आ गई चौथी सिलाई। अब चौथी सिलाई में हमने ये धागा बंद कर देना है। अगर आपने यहीं तक काटना है तो काट दो, नहीं काटना है तो साथ साथ इस तरफ ले आओ। अब ये चौथी सिलाई आ गई। सिलाई गिन के बनाना है, गिन के बना लो, अगर नहीं गिनना है तो गिनने की भी ज़रूरत नहीं, यूँ ही बना लो, आठ सिलाई का बनेगा ये डिजाइन। अब तीन फिरोजी बनाने हैं, एक दो और एक, ये दोनों तरफ वाले एक एक फंदा मिला लिया, फिरोजी बना दिया। अब ये धागा हमने उस तरफ ले कर चलना है, साथ साथ ले चलो, एक दो तीन फंदे आगे बीच में। अब तीन फिरोजी तीन क्रीम, तीन फिरोजी तीन क्रीम, इस तरह बनेंगे हमारे। अब ये साथ में ले चलेंगे। अब फिरोजी एक दो तीन, अब आगे क्रीम की बारी आ गई, एक दो तीन क्रीम, फिर ये फिरोजी बना देंगे, एक दो और एक तीन। अब ये फंदा हमारा बन गया क्रीम, ये बना दिया। अब ये होगी चार सिलाई। अब आ गई पांचवी सिलाई। अब पांचवी सिलाई में हमने किस तरह बनाना है, एक, अब इनमें से तीन में से एक ही रखना हमने। अब ये भी हमने क्रीम बना दिया। अब ये फंदा हम फिरोजी बना देंगे, फिर एक फंदा ये हमारा क्रीम हो गया, और तीन फंदे ये क्रीम है, एक दो तीन चार और एक पाँच, पाँच फंदे हो गए हमारे जो हमने पहली सिलाई में बनाए थे, वही आ गई फिर सिलाई, एक नीला पाँच क्रीम। डिजाइन की जगह बदल दी हमने, फिर ये वाला नीला, और आगे देखो तीन तो क्रीम है ही, फिर एक ये मिला लेंगे, पांच क्रीम हो गए हमारे, एक दो तीन चार पाँच, फिर एक फंदा फिरोजी, फिर एक दो तीन चार पाँच और छः। अब सारे फंदे हमने फिरोजी क्रीम बनाने हैं। अब ये छठी सिलाई है, सॉरी छह सिलाई का बनाई ये डिजाइन, आठ का बोल दिया था मैंने, छह का बनेगा। अगर आपने बेल बनानी है इस डिजाइन की तो बेल बना लो, नीचे उतार लो, चार सिलाई उतारो, पांच उतारो, चार उतारो, छह उतारो, आठ दस जितनी भी उतारनी है दो उतारो, इतनी बना कर फिर प्लेन उतार लो क्रीम रंग की, फिर ये बीच में बेल बना ले छह फंदे की, फिर आगे छह सिलाई उतारनी है, चार उतारनी, इस तरह बना लो। अगर बेल बना के बनाना तो ये बेल बना के बना लो, अगर इसी के ऊपर डिजाइन बनाना है तो इसी के ऊपर बना लो, वो भी अच्छा लगेगा, दोनों तरह का अच्छा डिजाइन लगेगा ये। अब देखो ये डिजाइन हमारा पूरा हो गया।
कितने रंग लगा लो इसमें, जैसे बची हुई ऊन है बार बार वो लगा लो, एक ज़्यादा उसको बीच बीच में लगा लो, इस तरह बनेगा एक डिजाइन। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। एक बार फिर मैं पहली सिलाई से फिर बना के दिखा दूँ। अब देखो कोने पे हमारे चार चार फंदे आ गए थे, चार फंदे बना लेंगे हम करीम के, एक दो तीन चार, चार फंदे करीम के, एक फंदा हमारा संतरी आ गया। अगर आपने संतरी नहीं बनाना है और कोई रंग लगाना है तो आप वो भी लगा कर बना सको हो। आगे फिर पांच फंदे करीम, एक दो तीन चार पांच, फिर एक फंदा संतरी, जैसे बची हुई ऊन है थोड़ी थोड़ी। अब संतरी की जगह और कोई दो रंग लगा लो, या संतरी की जगह दूसरा लगा लो, इसकी जगह अगर ये ज़्यादा है तो ये भी लगा लो, किसी तरह डिज़ाइन बना लो आप। एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे करीम, फिर एक फंदा संतरी, आगे कोने पे हमारे चार फंदे बच गए। अगर तीन तीन रखांगे तो तीन तीन भी सही है, आधा डिज़ाइन बनेगा फिर ये तीन तीन में। अब उल्टी में हम तीन संतरी बना देंगे, तीन करीम, तीन संतरी, तीन करीम। ये डिजाइन हम देख कर भी बना सकते हैं, बिल्कुल आसान डिजाइन है और बनने में भी जल्दी बनेगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।